यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माई जी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि लावा वालों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अपने स्मार्टफोन। तो उसमें उन्होंने अपना एक माई जी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। वहाँ पर आप जाकर अपना फ़ोन कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कितने जीबी की रैम चाहिए, रोम चाहिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिसाइड, कलर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चलकर वहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप अगर माई जी फ़ोन लेना चाहते हैं लावा का, तो कैसे आप वहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में। अब यार इसके लिए सबसे पहले हम लोग को चलना होगा लावा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। अब वहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, मैंने पहले से ही वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है lavamobiles.com। जब वहाँ पर आप ऐसे आएंगे तो ऊपर ही देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा माई जी कस्टमाइज़ योर फ़ोन। तो इस पर आपको दोस्तों क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपके सामने नीचे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर देखिए ये पांच ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर कि आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर माई जी फ़ोन में आपको कैमरा, रियर में कितने कैमरा चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक 13+2 मेगापिक्सल और एक 13+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा। तो आप डुअल कैमरा चाहते हैं या फिर ट्रिपल कैमरा चाहते हैं, उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सबको हाई एंड वाले फ़ोन ही चाहिए, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले, तो वही सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करते हैं अब सबसे पहले एक 13+5+2 मेगापिक्सल वाला कैमरा रियर में। अब दोस्तों फ्रंट में जो कैमरा का ऑप्शन है यहाँ पर एक ही है, तो एक कोई कस्टमाइजेशन हुआ नहीं। जब एक ही ऑप्शन है तो मतलब क्या है, तो फ्रंट में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सेलेक्ट करने का, जो कि इनका हाईएस्ट था जो भी फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए थे उसमें स्पेसिफिकेशन में। अब बात आती है रैम की, तो यहाँ से आकर आप रैम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने जीबी की रैम चाहिए आपके माई जी फ़ोन में। तो यहाँ पर 6 GB सबसे हाई एंड है, तो 6 GB मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों रोम का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब रोम में यहाँ पर आपको 32 GB, 64 GB और 128 GB का ऑप्शन है, तो मैं सबसे ज़्यादा रोम सेलेक्ट करता हूँ, मेमोरी की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए फ़ोन में। अब दोस्तों यहाँ पर कलर का भी कस्टमाइजेशन है, कलर सिर्फ दो अवेलेबल हैं, रेड या ब्लू। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लू ज़्यादा अच्छा रहेगा देखने में। अब दोस्तों जो मैंने यहाँ पर फ़ोन कस्टमाइज़ किया है, अब इसकी प्राइस हो रही है 10,699, मतलब आपको ये लगभग 10,700 रुपये में ये फ़ोन पड़ेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन कितना हुई दोस्तों, कि आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, रियर कैमरा मिल जाएगा, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा और 5 का वाइड एंगल का कैमरा मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का 6 GB की रैम और 120 GB की आपको रैम रोम मिल जाएगी। तो इस प्रकार का अगर आप फ़ोन माई जी में कस्टमाइज़ करते हैं जाकर, जो कि एक हाई एंड का फ़ोन रहेगा इनकी तरफ से जो अभी लॉन्च हुए हैं लावा की तरफ से, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन इसी फ़ोन में है। तो ये फ़ोन आप अगर कस्टमाइज़ करते हैं तो आपको 10,700 में पड़ेगा। अब यहाँ से कंपेयर भी आप कर सकते हैं, कंपेयर करने का जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पर, तो आप कोई दूसरा फ़ोन यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं एक सबसे लो वाला फ़ोन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, देखते हैं उसकी प्राइस क्या पड़ती है। तो मैं यहाँ पर 13+2 का सेलेक्ट कर लेता हूँ कैमरा। उसके बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पर देखिए 8 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर हम लोग कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रैम का जो ऑप्शन है, रैम भी आपसे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 2 GB का मैं रैम सेलेक्ट करता हूँ। देखते हैं एक बार सबसे लो एंड वाला फ़ोन बना के वो कितने में पड़ता है। अब यहाँ से 32 GB की रोम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों कलर में तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं ब्लू कलर फिर से सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने सबसे लोएस्ट वाला फ़ोन बनाया है वो बना है 7,000 रुपये में, और यही फ़ोन है उनका जिसका नाम है G2 लावा का, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन यही है। तो कुछ इस तरीके से यार आप यहाँ पर आकर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को, अपने यहाँ से रैम सेलेक्ट कर सकते हैं, रोम सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा लगा, लेकिन इसमें अगर प्रोसेसर का भी अगर ऑप्शन होता, अगर एक प्रोसेसर सेलेक्ट करके हम लोग और भी ज़्यादा मजबूत फ़ोन बना देते, क्योंकि जो भी फ़ोन आप सेलेक्ट किए हैं इसमें प्रोसेसर आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर। अब जो भी फ़ोन यहाँ पर कस्टमाइज हुए हैं, आप इन्हें बाई ऑन 11 जैन का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर लेकिन ये बटन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कैसे हम लोग इसको आगे प्रोसीड करें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को, जो कि लावा का माई जी कुछ इस तरीके से लावा वालों का माई जी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर जाकर आप अपना फ़ोन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर इसमें मेरी तरफ से अगर आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर जो अगर हम लोग को अथॉरिटी होती कि हम लोग प्रोसेसर भी सेलेक्ट कर सकते तो ये सारी चीज़ें भी होती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, तो आदमी अपने तरीके से एकदम मस्त ज़बरदस्त फ़ोन बनाता। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।